जयपुर के भाखरोटा में रिसोर्ट चलाने वाले एक कारोबारी को यूपी के एक ठग ने बातों में फंसाकर लाखों रुपए का चूना लगा दिया। रिसोर्ट मालिक अब कभी यूपी तो कभी जयपुर पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। अब जाकर जयपुर की भाखरोटा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी की तलाश में यूपी के गाजियाबाद टीमें भेजने की तैयारी की जा रही है। रिसोर्ट मालिक ने कहा कि एडवांस दो, पार्टी बोली इतना पैसा तो हाथ का मैल है, कभी भी ले लेना। भाखरोटा पुलिस ने बताया कि भाखरोटा क्षेत्र में एक रिसोर्ट है जिसे शादियां और अन्य कामों के लिए किराए पर दिया जाता है। रिसोर्ट के मालिक कैलाश चंद्र अग्रवाल है। अग्रवाल ने रिपोर्ट दी है। उन्होंने बताया कि यूपी के गाजियाबाद निवासी कुछ लोग साल 2019 में आए थे। उन्होंने शादी के लिए गार्डन बुक किया। गार्डन स्टाफ ने गार्डन बुक करने से पहले टोकन मनी मांगा, लेकिन पार्टी ने कहा कि उनका बड़ा कारोबार है, यूपी और राजस्थान में पैसा कैश लेकर कम ही चलते हैं, टोकन की जरूरत ही नहीं, जिस दिन शादी होगी उसी दिन पूरा पेमेंट कर देंगे। स्टाफ उनकी बातों में आ गया। मालिक अग्रवाल भी मान गए। बाद में शादी हुई तो शादी के दिन कहा शाम को पैसा दे देंगे। शादी करने के बाद जाने लगे और कहा कि पूरा पैसा खर्च हो गया, दो दिन में आरटीजीएस कर देंगे। लेकिन यूपी पहुंचने के बाद भी पार्टी ने जयपुर के अग्रवाल को पैसा नहीं भेजा। अग्रवाल कई बार यूपी जा आए और उनको जल्द ही पैसा देने की बात की जाती रही, लेकिन 15 लाख रुपए नहीं दिए गए। आखिर अग्रवाल ने भाखरोटा थाने में यूपी के गाजियाबाद निवासी एके मात्र और प्रभास कुमार के खिलाफ ठगी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करवाया है।